बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ रिजवान अब्बासी और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया। जनूबी एशिया का सबसे बड़ा यतीम खाना चला रहे हैं। जी मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी अख्तर, चेयरमैन कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट। चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला। सर, 400 से ज़ायद यतीम बच्चों की कफालत अल्लाह पाक ने आपको ये तौफीक दी, क्या कहेंगे इस हवाले से, इस पैशन के हवाले से? क्या जज्बा था, कैसे इस पैशन को लेके आप मैदान में उतरे? रिजवान भाई, आपका शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम। ये जज्बा 2005 सिलसिले में वजूद में आया था। मेरी जो पैदाइश है बरतानिया की, और ज़िंदगी में मेरा ये दूसरा सफ़र था पाकिस्तान का, और मकसद यही था कि चंद दिनों के लिए आना और कुछ रिलीफ का काम करना और वापस अपनी दुनिया में चले जाना। लेकिन उस दौरान बाग शहर में बहुत सी तीन बच्चे जो मेरी नज़र में आए, और रहा नहीं गया और कुछ करने का अज़म जागा, और मीरपुर में एक किराए की बिल्डिंग से आगाज़ किया, 20-30 बच्चे पर मुश्तमिल। और फिर एक कुछ अरसे के बाद जब वो बूथ जज्बे का उतरना शुरू हो गया और ये अंदाज़ा हो गया कि कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी है, ये कोई चंद दिनों या महीनों की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये तो ज़िंदगी कमिट करने का काम है। तो मेरे लिए अब दो ही सूरत हाल थी और ऑप्शन दो ही थे। एक कि मैं इसको बंद कर कर अपनी दुनिया में वापस चला जाऊँ बरतानिया में, जहाँ मेरी एहलिया हैं जो 25 साल से मजदूर हैं, चल नहीं सकती, स्पेशल हैं, और मेरी बेटी है जो 25 साल की है। जैसे मेरी बेटी पैदा हुई थी और मेरी एहलिया डिसेबल हो गई थी, वो भी मेरी ज़िम्मेदारी थी, और यहाँ तकरीबन 30-40 बच्चे मेरी ज़िम्मेदारी बन चुके थे। और ये फैसला करना था कि क्या इसको बंद करके चला जाऊँ या ज़िंदगी वक्त करूँ। मेरे लिए एहसान तो यही था कि मैं इसको बंद कर कर अपनी दुनिया में चला जाऊँ। लेकिन फिर ये ख्याल आया कि इन बच्चों का जो मेरी ज़िम्मेदारी बन चुके थे, 30-40 बच्चे, इनका क्या होगा जिनके माँ बाप इस ज़िले में शहीद हो गए थे। तो बस वहीं से मैंने अल्लाह से वादा किया कि मैंने अपनी ज़िंदगी वक्त करनी है। और फिर एक ख्वाब मैंने देखा कि इन बच्चों को एक अपना एक आशियाना बागबान, एक घर बना के देना। हुकूमत से कुछ ज़मीन का मुतालबा किया, और 2-2.5 साल के बाद सरदार अतीक अहमद ख़ान जो उस वक्त के वज़ीरे आज़म थे, उन्होंने मेहरबानी की, शफकत की, और तकरीबन 100 कनाल का एक पहाड़ मुझे सौंप दिया था। चौधरी साहब, स्टार्ट आपने पकड़ा जलजले, जैसा कि आपने बताया कि जलजले से आपने ये जो यतीमों की कफालत का आपने ज़िम्मेदारी ली और आपने उसको बहुत आगे तक लेके आए, ये बताएं कि कहाँ से, क्या ऐसा, क्या वजह थी कि आपने इस पैशन में आए, और ऐसा क्या वाक़या था? चूँकि आप अमूमन बताते रहते हैं, और हमारे जो नाज़रीन हैं उनके लिए मैं ये आपसे ये सवाल पूछूँ कि वो क्या वजह थी? मेरा इंग्लैंड आना जो था 5-6 दिन का वो सफ़र था कि आएंगे और रिलीफ का काम करके चले जाएंगे। बाग शहर में ऊपर कुछ गांव है पहाड़ों में, पता चला कि वहाँ कोई एड नहीं पहुँच पा रही थी क्योंकि सड़कें काफ़ी मुतासर थी। तो 2 ट्रक मेरे पास जो बचे हुए थे वो लेकर वहाँ रिलीफ एक्टिविटी के लिए चले गए, ऊपर पहाड़ों में सफ़र करें। और कुछ चंद किलोमीटर सफ़र करने के बाद अचानक एक बच्चों का काफ़िला पहाड़ों से नीचे आ रहा था। जैसे स्कूल में छुट्टी होती है और बच्चे घर जाते हैं, ट्रकों का शोर शराबा सुनकर बड़े खुश हुए, पास आकर कहने लगे खाने का कुछ है। तो ट्रकों में हर चीज़ मौजूद थी, और उसके साथ छोटे छोटे बिस्किट के पैकेट्स थे। तो मैंने ट्रकों के पीछे खड़े होकर बिस्किट्स के पैकेट बच्चों को दिए, तकसीम किए, और आस पास कोई घर नज़र नहीं आ रहा था, कोई स्कूल नज़र नहीं आ रहा था। हैरान था कि बच्चे आए कहाँ से। इतने में कुछ और वडेरे लोग भी आ गए ट्रकों की शोर शराबा सुनकर, और रिलीफ का सामान तकसीम करने के बाद मैंने पूछा ये बच्चे कहाँ से आए। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये बच्चे जलजला मुतासरीन बच्चे हैं जो पहाड़ के ऊपर जो गांव है वहाँ से बिलोंग करते हैं। रिश्तेदार भी मुतासर हो गए जो इनकी हिफालत नहीं कर सकते, और इन बच्चों को बताया जा रहा कि आप नीचे चले जाएँ शहर की तरफ, वहाँ आर्मी भी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी है, हुकूमत भी है, अदारे भी हैं, तो आपको तहफ़ मिल जाएगा। तो जब मैंने ये सुना, और मज़ीद 2 दिन पहले देखा तो नहीं लेकिन सुनने को बहुत सी कहानियाँ मिली कि बहुत से हमारे बच्चे अगवा हुए थे। तो इतने छोटे छोटे बच्चे थे,
मैं हैरान था कि इनका क्या होगा। उस वक्त मेरी अपनी बेटी 8.5 साल की थी और हर बच्चे में मुझे अपनी बेटी नज़र आ रही थी। तो मैं चला गया ऊपर पहाड़ों में, एक दिन समान तकसीम कर रहे हैं, लेकिन ये मेरे जहन से नहीं निकल रहा था कि इन बच्चों को क्या होगा। सही, बस वहाँ से एक जज्बा जागा था कि कुछ करना है। आपने हमारे नाज़रीन को बताया, चोई साहब, हमारी सोसाइटी का ये अलमिया है कि हर रोज़ इन वाक़यात हमें देखने को मिलते हैं, मीडिया पे नज़र आते हैं कि फ़लानी जगह पे कूड़ा के कूड़ादान में से कोई बच्चा मिला, किसी हॉस्पिटल के बाहर कोई बच्चा फेंक कर चला गया। चोई साहब, आपने यतीमों के हवाले से यतीमों के लिए एक बड़ा अदारा बनाया जहाँ आपने उनको छत मुहैया की, वहीं पर आपने बहुत सारे ऐसे बच्चों का जो नाम है वो आपने अपनी वल्दियत नादरा में रजिस्टर्ड कराई, क्या यानी क्या देख रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से कि यानी आपने अपने फैमिली से, अपने इन सारे जो आपके रिश्तेदार हैं, एल ओ एल हैं, उनसे परमिशन या यानी उनके नाम कैसे अपने नादरा में अपने रजिस्टर करवाया आपने? देखें, अक्सर ये होता है जैसे आपने जिक्र किया कि लोग बच्चे पैदा कर कर कूड़े में फेंक देते हैं या सड़क के किनारे या कहीं भी फेंक देते हैं। ये क्यों करते हैं, ये आज तक ना तो मैंने जाने का वजह पूछी है और ना पूछने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें मैं एक ही चीज़ जानता हूँ कि इनमें उन बच्चों का कोई कसूर नहीं है, वो भी इंसान है। सही। फिर उन बच्चों को लाता हूँ, उनको सबसे पहले तो अजान देकर मुसलमान करता हूँ और एक नाम देता हूँ और नाम के साथ में अपना नाम देता हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि जब ये बड़े बच्चे हो रहे हैं तो इनको ये माशरा, ये सोसाइटी उस नाम से पकारे जिसे सुनकर मुझे और आपको तकलीफ़ हो। एग्जैक्टली। जहाँ तक तल्लक है फैमिली का, मेरी जो दस्ते बाजू हैं, मेरी मोटिवेशन है, वो है मेरी एलिया और मेरी बेटी जो इस काम में मेरे बराबर के शरीक हैं। अलबत्त कि मैंने तो मैं समझता हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया, जितनी कुर्बानियाँ मेरी बेटी या मेरी एलिया ने की हैं दी हैं शायद मैंने नहीं दी, क्योंकि व्हील चेयर के बावजूद होते हुए भी 3.5-4 साल यहाँ पाकिस्तान गुजार के गई हैं। मेरी बेटी जो इस वक्त मेरी जिम्मेदारी जो है, मेरी बीवी यानी कि मेरी बेटी की वालदा, वो उठा रही है, तो उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ की हैं। और ये बच्चे भी हमारे बच्चे हैं, इस कौम के बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें इन बच्चों का कोई कसूर नहीं है। चोई साहब, कोट कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट इस वक्त जनूबी एशिया का सबसे बड़ा यतीम खाना है, आप उसके चेयरमैन हैं, बानी हैं, क्या सिर्फ चौधरी अख्तर है या इस अदारे में और लोग भी हैं, कोई मशावरती कौंसिल है या कोई उसकी जो गवर्निंग बॉडी है, हमारे नाज़रीन को बताएं। अदारा जब मैंने 2005 में बनाने का इरादा किया था और कुछ चीज़ें मैंने अपने जहन में डाली थी कि कुछ चीज़ें मैं करना चाह रहा हूँ जो रवाई से ऐड करें, एक तो ये थी कि जिन बच्चों की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ उनको मैं वो दूंगा जो मैं अपनी बेटी को दे रहा हूँ, यानी कि मैं अपनी बेटी को कभी किसी का उतरा हुआ कपड़ा नहीं पहने दूँ, ना इन बच्चों को आज तक मैंने किसी का उतरा हुआ कपड़ा पहने दिया। मेरे घर में अक्सर ये होता है कि दोपहर का पका हुआ, रात का पका हुआ खाना दूसरे दिन भी चलता है, लेकिन इस घर में आज तक दोपहर का पका हुआ शाम को नहीं चला। तीसरी जो बात यह है कि अदारे में मैंने जो कुछ किया या दिया वो मेरे और खुदा के दरमियान है, वो किसी पे एहसान नहीं किया, लेकिन यहाँ पब्लिक फंड्स हैं, लोगों के ज़कात, सदकात, हैरात हैं, तो इसमें मुझे, मैंने इरादा किया था कि इसको मैंने एक ख़ानदानी विरासत नहीं बनानी थी जो एक आम होता है, तो मैंने इंग्लैंड में जो मेरा ट्रस्ट बोर्ड है उसमें कोई भी मेरे ख़ानदान का फ़र्द नहीं है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बनाया उसमें भी लिख दिया कि मेरे ख़ानदान का कोई भी फ़र्द उसमें शामिल नहीं होगा। दूसरा, यहाँ एक हमारी एक गवर्निंग बॉडी है पाकिस्तान में, वही रवायत मैंने काम की, वो लोग मैंने शामिल किए जो इस सफ़र में मुझे मिले, जो दर्द दिल रखने वाले हों, जो इस इदारे के साथ मुंसलिक हों और मुखलस हों। और फिर मैंने क्या किया कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन हमारे पाकिस्तान में है, देखें सियासत तो आती जाती रहती है, इक्तदार आते रहते हैं, लेकिन हमारी पाक फ़ौज एक ऐसा अदारा पाकिस्तान का जो मैं समझता हूँ कि क्रेडिबल है औरों की बनस्बत। तो मेरी एक ख्वाहिश थी कि इस इदारे को महफूज करने के लिए हमारे मंगला जो कंटोनमेंट है कोर वन, उनकी जीओसी को गवर्निंग बॉडी में शामिल करना, और एक बहुत बड़ा काम था। और दूसरा, हमारे जड़ी कस के मकाम पे 7 AK ब्रिगेड है, उनका कमांडर। तो मैंने जीएचक्यू में एप्लीकेशन दी कुछ 6-7 साल पहले, और अल्लाह की करनी ये हुई कि बहुत से सालों के बाद वो मंजूर होगी, एक क्लीन चिट मिल गई,
और कोर्ट एक वाहिद अदारा है, फ्लाई अदारा है, जिसकी गवर्निंग बॉडी में एक जीओसी यानी कि जनरल बैठा हुआ है, मेजर जनरल बैठा हुआ है और एक कमांडर बैठा हुआ है बाय ऑफिस। ये एक बहुत बड़ी बात है, ये मेरे लिए बड़ी एजाज की बात है कि पाक आर्मी के दो नुमाइंदे भी इस गवर्निंग बॉडी में शामिल हैं। तो ये है कि ये कोर्ट मेरा नहीं है, मेरे ख़ानदान की विरासत नहीं है, कोर्ट ये पब्लिक एंटिटी है और इसमें मैं समझता हूँ कि जो हमारी गवर्निंग बॉडीज हैं, हमारे ट्रस्ट बोर्ड हैं, उनके साथ साथ जो बच्चे हैं हमारे कोर्ट के, जो माशाल्लाह बड़े होकर अपने प्रोफेशनल फील्ड में चले गए, आगे शादियां भी हो गई हैं, आगे वो वालदैन भी बन गए, आगे जाकर ये बच्चे जो हैं ये हमारा सबसे बड़ा एहसास इस अदारे के दस्ते बाजू बनेंगे। चोई साहब, देखते ही देखते अब्दुल स्टार ईदी के बाद आप जैसा कि यतीमों के हवाले से आप उनके कफील बने, यतीमों का सहारा बने, गुज़िश्ता कई साल से देखने में आ रहा है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर बड़े पैमाने पे आपने रिलीफ एक्टिविटीज़ की, कोविड आया, कोविड से आपने आज़ाद कश्मीर में बहुत बड़ी फंड रेजिंग करके यहाँ आप एलओसी तक पहुँचे, फिर उसके बाद मीरपुर आज़ाद कश्मीर में दो साल कबल एक जलजला आया, आपने उसमें भी रिलीफ एक्टिविटीज़ की, जो सब जो काम आप कर रहे हैं ये काम रियासती अदारों का है, क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या हमारे जो रियासती अदारे हैं वो फ्लॉप हो चुके हैं, नाकाम हैं इस हवाले से, या क्या ऐसी वजह है कि आप ये काम आप कोर्ट के इस प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं? देखिए, हम पाकिस्तान, हम एक डेवलपिंग ममालिक हैं और जो डेवलप ममालिक हैं जैसे कि यूएसए हो गया, यूरोप हो गया, ब्रिटानिया हो गया, वहाँ भी अदारे काम करें, फ्लाई अदारे काम करें, तो यहाँ हमारे पाकिस्तान में फ्लाई अदारे एक दस्ते बाजू हैं हुकूमतों के, हुकूमतियाँ के लिए काम नहीं कर सकते। रियासत कौन है? रियासत मैं ही हूँ, हम ही रियासत हैं, हम भी उसका हिस्सा हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो काम हम मिलकर रियासत के साथ मिलकर हम काम कर सकते हैं फलाह बहबूद के लिए, इंसानियत के लिए, वो शायद अकेले हुकूमत नहीं कर सकती। सही, हमें उनके दस्ते बाजू बनकर काम करना है, बजाय शर्त यह है कि कोई रुकावट ना करे। अक्सर लोग हमें पूछते हैं कि आज़ाद कश्मीर ने आपको क्या दिया, तो सिवाय ज़मीन के उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज़ जो मुझे दी है कि मेरे काम में आज तक किसी हुकूमत या किसी ब्यूरोक्रेट ने रुकावट नहीं डाली। सही, एक बहुत बड़ी बात है। अक्सर अदारों में ये होता है कि काम होने नहीं देते। सही, लेकिन हमारे कश्मीर में अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हुकूमत आई है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन तमाम मेरे साथ है, हमारी हौसला अफजाई करते हैं, जो सबसे बड़ी बात है, और हम रियासत का हिस्सा हैं और रियासत के दस्ते बाजू बनकर इंशाल्लाह हमने इंसानियत, दुखी इंसानियत की खिदमत करनी है और करते रहेंगे। अच्छा साहब, रियासती इदारों की बात की आपने, ब्यूरोक्रेट्स की बात की आपने, वजीरों मुशीरों की बात की आपने, जब से ये रिलीफ एक्टिविटीज़ का काम शुरू किया आज़ाद कश्मीर के अंदर, उसके बाद एक अजीब सी बहस भी छिड़ी और बहुत सारे लोगों ने ये बात भी की कि आप कहीं सियासत में आना चाह रहे हैं, आपको कोई बहुत बड़ा पोर्टफोलियो दिया जाने का इम्कान है सदर रियासत के हवाले से भी या ओवरसीज़ में आपकी एडजस्टमेंट के हवाले से भी, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? बात यह है कि बातें तो बहुत कुछ लोग करते हैं और करते रहेंगे, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी एक ख़ास मकसद के लिए वक्फ की है। हमने 16 साल एक जदोजहद की है, हमारा मकसद है, हमारी एक ही जमात है, वो है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जो जमात है, वो उस जमात से हैं, उसके अलावा हमारी कोई जमात नहीं है। खुदा ने जो शायद मुझे इज़्ज़त दी है वो शायद किसी सियासतदान को ना दी हो। सही, हमारा सियासत में जाने का कोई इरादा नहीं है। सही, ना कभी जाएंगे, ना जाने की ज़रूरत है। हमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी से और तमाम सियासतदानों से काम करना है, चाहे वो अपोजिशन है ऑपोजिशन हो, हमने उनके दस्ते बाजू बनकर काम करना है। और सियासत में जाकर मेरा काम नहीं है सियासत। सही, सियासत जो जानते हैं वही करें। सही, जैसे कर रहे हैं वो करते रहें, वो अपना काम करें और मैं अपना। अच्छा साहब, कमिंग प्रोजेक्ट्स के हवाले से अपने जो आपके जो कमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके हवाले से हमारे नाज़रीन को बता दें कि कोर्ट कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट कहाँ कहाँ तक इसका दायरा बढ़ता जा रहा है और कौन से प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं? देखें, एक छोटा सा एक अदारा जो वजूद में आया था और एक किराए की बिल्डिंग में, और अब अल्हम्दुलिल्लाह एक इंस्टीट्यूशन बन चुका है। इस हद तक इंस्टीट्यूशन बन चुका है कि कोर्ट का दूसरा कॉम्प्लेक्स वाबी में बन रहा है, इतने बच्चों का के अभी गेम है, जिसका जो पहले ब्लॉक का लंटर हम दो दिन में डालने वाले स्वाबी में। स्वाबी में सही,
क्योंकि पाकिस्तान हो या कश्मीर हो, क्योंकि इंसानियत की खिदमत करना ये हमारा अव्वल दर्जा है। उसके साथ साथ कश्मीर में पूरी दुनिया में ये मसला है, लेकिन कश्मीर में क्यों फोकस करें कि पीने के पानी जो है 70% जो हमारी बीमारियां हैं वो उसके साथ मंसलक हैं। तो पीने के साफ पीने के पानी के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हम पूरे कश्मीर में लगा रहे हैं, एक जाल फैलाने वाले हैं। इंशाल्लाह आने वाले 2-2.5 सालों के अंदर आपको 5-10 किलोमीटर के अंदर जहाँ भी होंगे आपको एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मिलेगा। इसमें बहुत से मसले हल हो जाएंगे। दूसरे हमारे जो प्राइमरी एजुकेशन है, हमारी जो बुनियाद है, उस पर हमने फोकस करना है कि हमारे 30-35% हमारे बच्चे प्राइमरी एजुकेशन में नहीं जा रहे। अब वो तो स्कूल ही नहीं है, स्कूल है तो छते नहीं है, छते हैं तो फर्नीचर नहीं है, खुले आसमान के नीचे वो बच्चे पढ़े, स्कूलों के हालात नहीं है। और जहाँ जहाँ ऐसे स्कूल हैं उनको प्राइमरी स्कूलों को हम तमीर कर रहे हैं, और पूरे कश्मीर में हम ये काम करेंगे माशाल्लाह। दूसरा, तीसरा हेल्थ के ऊपर, हमारे कश्मीर में आज तक हेल्थ के ऊपर नहीं फोकस किया गया, और हमारे जो DHQs हैं उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आने वाले 2-2.5 माह के अंदर कश्मीर को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं माशाल्लाह। हम एक ऐसा हॉस्पिटल कश्मीर में बनाने वाले हैं जो सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों के लिए होगा, जो फ्री होगा, फ्री इलाज होगा उसमें, और उसकी संगे बुनियाद हम इसी साल में रखने वाले हैं। तीसरा जो मेरा विजन है, इंडिया में एक हिस्सा है साउथ इंडिया में, करेला नाम है उसका, और अगर करेला में जाएं तो आपको एक भिखारी नहीं मिलेगा। हम कश्मीर को, एक छोटा सा हमारा हिस्सा है, 42-43 लाख हमारी आबादी है, हम चाह रहे हैं कि कश्मीर का हर फर्द देने वाला बने, लेने वाले ना बने। हम लोगों को खुद कफील करने वाले, माइक्रो फाइनेंस हुकूमत के साथ मिलकर हम आज़ाद कश्मीर में आम करने वाले, औरतों को हुनरमंद कर रहे हैं, स्किल सेंटर बना रहे हैं। ये हमारा विजन है, बस देखें अल्लाह ताला आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा कि अदारा तो आपने बना दिया, ज़िंदगी का भी पता नहीं होता, ये बताएं कि आपने क्या अपने यानी जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे उसके बाद आपने इस अदारे के लिए कोई इस तरह का कोई वसीयत या कोई आपने कोई ऐसी चीज़ बताई हुई है अपने फैमिली को, अदारे को? देखिए, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि मेरी फैमिली में इसमें कोई ऐसी शमूलियत नहीं होगी, गवर्निंग बॉडी भी नहीं होगा। ये एक मैंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी चंद चीज़ें जो नॉन चेंजेबल है, वो चेंज नहीं हो सकती। कुछ ऐसी हैं जो मॉडिफाई हो सकती हैं, बेहतरी के लिए हो सकती हैं। मेरा ईमान ये है कि खुदा ने अगर हमसे ये काम लिया तो सिर्फ मेरी सतह तक नहीं है, ये यहाँ लोगों की ज़कात, सदक़ात, खैरात लगा हुआ है, तो लोगों ने मेरी हद तक ये मदद नहीं किया हुआ खुदा ने कि मेरी हद तक ये रहेगा और मेरे बाद ये टावर जाए। मेरा ईमान है ये क्यामत तक चलेगा और मेरे बाद इससे भी बेहतर चलेगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच नाज़रीन, ये थे चौधरी अख्तर। आज इन्होंने अपने अदारे और अपने जो इनकी मोटिवेशंस हैं, कहाँ से इन्होंने ये जज्बा लिया, आपने सुना, आपने देखा। अपने मेज़बान रिजवान अब्बासी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।